नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी खबरों की पड़ताल। मैं हूं आपके साथ में जितेंद्र। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। सुंदरीकरण और सफाई के लिए तरस रहा है कोटवा में स्थित ब्लॉक नेबुआ नौरगिया का पशु चिकित्सालय केंद्र। कुशीनगर जिले के विकासखंड नेबुआ नौरगिया का पशु चिकित्सालय केंद्र जो कि में स्थित है, जिसकी स्थिति बहुत ही नाजुक देखी गई। चिकित्सालय परिसर में गंदगी और कूड़ा करकट का आभार लगा हुआ है। चिकित्सालय केंद्र की ज्योतिदार खिड़कियां टूटी हुई देखी गई। मौके पर मौजूद फार्मासिस्ट से पूछे जाने पर फार्मासिस्ट ने बताया कि हमको यहां चार्ज के लिए लगभग 7 वर्ष हो गए, लेकिन इस बीच में अभी तक इसका सुंदरीकरण नहीं हुआ। वास्तव में देखा जाए कि पशु चिकित्सालय केंद्र की सुंदरीकरण के लिए तरस रहा है। यहां पशुओं का इलाज क्या होगा? कुशीनगर से दिलीप कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। देखिए, जो दवाई दी जाती है उसका सरकार का कुछ शुल्क है। जैसे तो हम चिकित्सा 5 रुपया है, छोटे जानवरों का 2 रुपया है, आई है 30 रुपया है। लेकिन जो कर्मचारी जाते हैं वो कर्मचारी आपके प्राइवेट हैं या सरकारी होते हैं? देखिए, कुछ तो अगर गांव में जाएंगे तो उसका रेट कुछ और होता है। उसका क्या रेट है? देखिए, वो सरकारी शुल्क जो होगा वो तो 40 रुपया तो वहाँ आई देना पड़ेगा। यदि वो 200 रुपया लेते हैं तब? देखिए, हमारे यहाँ ऐसा कोई सिस्टम नहीं कि 200 रुपया लिया। अच्छा, आपके ये ब्लॉक में कितने टोटल आपके वो हैं, क्या पैरावेट? इस समय तो केवल 6 है। टोटल 6? तो ये इतना बड़ा ब्लॉक है और इसका कारोबार तो जो लोग थे तो वो लोग छोड़ के चले गए जी। अच्छा, बताइए, पशुओं के लिए जो मतलब आपका मतलब प्रेगनेंस के लिए जो यूजी इंजेक्शन की जाती है उसकी आपकी मतलब सरकार द्वारा मूल्य क्या है, कितना मानक है उसका, मतलब कितना लिया जा सकता है एक पशुधारक से? कृत्रिम गर्भाधान के लिए जी 30 रुपया। कई जगह सुनने में आया कि 150 रुपये लिया जाता है। अब कई जगह सुनने में आया तो मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा जी, मगर जो हमारे आया थी मैं उसका बात कर रहा हूँ। अच्छा, ये बताइए मिश्रा जी, ये आपका ये स्वास्थ्य आपके जो ये डॉक्टरी केंद्र जो है ये इसे खंडहर पड़ा हुआ है काफी दिनों से, लग रहा है मतलब काफी दिनों से पुराना है, तो इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे, मतलब आखिर क्या इसका प्रोसीजर है इसका, क्या कुछ बता सकते हैं? BDO साहब से बात हुई है जी, BDO साहब ने सब नफवा दिए हैं, तो उसके बाद से तो वो जो ब्लॉक में जो ही लोग करने वाले हैं तो जो वहाँ से कार्य खत्म हो रहा है तब यहाँ पे तो हम स्टार्ट करेंगे। मतलब नई योजना, इसका मतलब नई बनेगा ये? नहीं, नया नहीं बनेगा, मरम्मत ही। मरम्मत की? हाँ। आपके विभाग द्वारा होगा कि ब्लॉक से होगा? ब्लॉक से होगा। सर, इसका सुंदरीकरण कराए हुए कितने दिन हो गए? देखने में तो लग रहा है कि काफी दिनों से इसका सुंदरीकरण नहीं कराया गया है। हम जब से आए तब से तो नहीं हुआ है। कितने दिन हो गए सर आपके आए हुए? 7 साल के आसपास हुए। 7 साल में अभी इसका सुंदरीकरण नहीं हुआ है।
अपने फार्मेसिस्ट नाम नाम प्रियंक मिश्रा। अरे ये पशुपालन विभाग इस ब्लॉक में स्थापित है, यहाँ इस समय कौन कौन सी योजना चल रही है आपके पशुपालन विभाग से? हमारे यहाँ योजना चल रही है पशु को टीकाकरण टैकिंग, वो साथ में है, निशुल्क है, और केसीसी है ना, दो दुधारू जानवर पत्रों 26,680 रुपया है, और बकरी के लिए है 20 बकरी और एक बकरा 47,000 कुछ रुपया हुआ है, मुर्गी पर है अगर 1,000 मुर्गी है तो 1,07,000 के आसपास है, ये योजना चल रही है। फिर गोकुल मिशन के अंतर्गत हमारे यहाँ इस ब्लॉक में 35 गांव सभा निःशुल्क आय किया जा रहा है। सर ये आपके बाकी खबरों के लिए देखते रहिए भारत न्यूज़ टीवी खबरों की पर्दा।